नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा भी आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, खास खबरों को लेकर लगातार आप तक न्यूज रूम से सीधी जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले राजधानी भोपाल का जिक्र, जहां युवक को कुत्ता बनाने के मामले को लेकर अब सख्त एक्शन होता हुआ नजर आता है। पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया है, 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। टीला जमालपुरा थाना प्रभारी लाइन अटैच हो चुके हैं। आपको यह भी बताया कि पुलिस कमिश्नर ने लापरवाही बरतने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। युवक के गले में फंदा डालकर मारपीट उसके साथ की गई थी। कुत्ते की तरह सलूक इस व्यक्ति के साथ हुआ। तस्वीरें आप देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ था, काफी चिंताजनक तस्वीरें थी, जिस पर फौरन संज्ञान भी लिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। पूरा मामला जिसे लेकर अब ये अपडेट सामने आ रहा है कि 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से फौरन एक्शन हुआ, टीला जमालपुरा थाना प्रभारी लाइन अटैच। धर्मांतरण मामले में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर को सख्त आदेश दिए हैं, अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम के निर्देश के बाद अपराधियों पर एनएसए की कार्रवाई होगी, 3 अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यही पूरा मामला जिसे लेकर सख्ती लगातार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी बढ़ती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका संज्ञान लेते हुए धर्मांतरण की बात भी सामने आई, जबरन धर्मांतरण करवाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर को सख्त आदेश जारी हो चुके कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और इसी निर्देश के बाद अब अपराधियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, 3 अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा। और इस निर्देश के बाद नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता टीला जमालपुरा थाने पर पहुंचा। आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है, ऐसी आशंकाएं। अतिरिक्त पुलिस बल भी थाना टीला जमालपुरा पर मौजूद है, और अब ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द यहां पर अतिक्रमण दस्ता पहुंचेगा, इनके घरों को ध्वस्त किया जाएगा। चूंकि खुद सीएम की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई है और कलेक्टर को यही निर्देश थे कि फौरन सख्त से सख्त कार्रवाई हो अपराधियों के खिलाफ। 6 आरोपी जो कि इस मामले को लेकर जिनकी तलाश की जा रही थी, 3 जिनमें से गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी जो कि अब असर के तौर पर जमीन स्तर पर नजर आती है। सहयोगी वासु चौरे का हम रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वासु, एक बहुत बड़ा मामला जिसे लेकर सख्त एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत और होना भी चाहिए था। सीएम के निर्देश जारी हुआ और अब ये माना जा रहा है कि शायद कुछ ही देर बाद बुलडोजर एक्शन होना है। निश्चित तौर पर देखिए, टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर जो फरियादी है उसकी उसके जो घर वाले हैं और जो फरियादी, उसका ये आरोप है कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और उसके साथ ही उसको जो नॉनवेज है उसके सेवन का दबाव बनाया गया और उससे लंबे समय तक पीड़ित था, प्रभावित था, और गले में बेल्ट डालकर उसके साथ अमानवीय हरकत जो है वो भी की गई। और इसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी घटना पर संज्ञान लिया है। आप देख सकते हैं कि जो नगर निगम का अतिक्रमण हमला है वो इस वक्त थाना टीला जमालपुरा क्षेत्र में पहुंच चुका है, और जो अपराधी जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उनके जो निर्माण है उनके खिलाफ जो अब कार्रवाई है वो यहां पर शुरू होगी। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इसमें से जो कुछ आरोपी हैं वो हिस्ट्री सीटर भी रहे हैं और उनका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। और इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि एनएसए के तहत भी जो मामला है वो इस पूरे दर्ज किया जाएगा और एनएसए कानून के तहत भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो नगर निगम का अमला है वो यहां पर पूरी तरह से तैयार है, यही वो बुलडोजर है जो आरोपियों के ठिकानों पर चल सकता है, और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अब लगभग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए हैं इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो तथ्य हैं वो इकट्ठे किए जाएं और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई हो कि जो एक एग्जाम्पल बने, जो एक एग्जाम्पल क्रिएट हो। और यही वजह है कि टीला जमालपुरा में लगातार जो पुलिस का मूवमेंट है वो अब और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो भी यहां पर पहुंच गया है, नगर निगम का जो पूरा हमला है वो भी यहां पर पहुंच चुका है, और जो
महिला कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर विशेष रूप से आई हैं ताकि किसी भी तरीके की जो परिस्थितियां हैं उनको वहां पर संभाला जा सके। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर पूरी हो चुकी हैं और जो आरोपी हैं तीन आरोपी गिरफ्त में हैं, छह लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। तीन और आरोपियों की जो गिरफ्तारी करने की कोशिश है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान लेने के बाद इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो अब और भी ज्यादा तेज हो गई है और भी ज्यादा सख्ती के साथ इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले जो फरियादी पक्ष है और जो आरोपित पक्ष है उन दोनों के ही परिवारजन थाने भी पहुंचे थे और अपनी अपनी बात भी उन्होंने रखी मीडिया के सामने। जो फरियादी है विजय रामचंदानी, उनके भाई ने संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बहुत दबाव जो है वो उनके भाई पर बनाया जा रहा था और इतनी स्थिति बन गई थी कि उन्हें अपना घर तक बेचकर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। ये भी बड़े आरोप जो है वो लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि मौके पर अब यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात हो चुका है और नगर निगम का अमला भी पूरी तरह से तैयार है। टीला जमालपुरा थाने से किसी भी वक्त ये अमला जो है वो जो आरोपी हैं उनके ठिकानों पर पहुंच जाएगा और वहां पर इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम किसी भी वक्त अब दिया जा सकता है। तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और कहीं ना कहीं सरकार का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साफ उद्देश्य है, साफ ये कहना है कि अगर वासु जिस तरीके से इन आरोपियों ने इस युवक के साथ सलूक किया, व्यवहार किया, बर्बरता की, उससे साफ जाहिर होता है कि इन आरोपियों को कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना घटित ना हो। वासु, निश्चित तौर पर सुमित, देखिए ये जिस तरीके की जो वीडियो सामने आया है वो पूरी तरह से अमानवीय है, बर्बरता की गई है और किसी भी मानव अधिकारों की अगर हम बात करें तो उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। कानून को अपने हाथ में लेना, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की बर्बरता करना, पांच छह लोगों का गुट बना के किसी एक व्यक्ति को प्रताड़ित करने का काम करना, ये बहुत अमानवीय घटना है और बर्बरतापूर्ण ये पूरी घटना है और इसलिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी घटना को लेकर संज्ञान लिया है, नाराजगी जताई है और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पूरा नगर निगम का जो अमला है वो इस वक्त आप यहां देख ही रहे हैं तस्वीर में, मौके पर मौजूद है, बुलडोजर यहां पर आ गया, नगर निगम के जो कर्मचारी है वो हाथों में हथौड़ा लेकर और अन्य जो औजार है वो लेकर यहां पर पहुंच चुके हैं और जैसे ही थाने से आदेश होते हैं तो जो कार्रवाई के लिए जो टीम है वो यहां से आगे बढ़ जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही इसको लेकर जो दिशा निर्देश है वो दे चुके हैं। जी बिल्कुल, चलिए देखना होगा वासु अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, किस तरह से होती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे भोपाल से अगली बड़ी खबर की, जहां पीड़ित के भाई का एक और बड़ा आरोप सामने आ रहा है। यही वो पूरा मामला जिसमें धर्म परिवर्तन की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा था इस व्यक्ति पर, जो कि हमारे सहयोगी वासु भी इस दौरान जिक्र कर रहे थे। धर्म परिवर्तन के लिए धमकियां लगातार मिल रही थी परिवार को, पैसों के लिए विजय से चोरियां भी करवाई जा रही थी, मांस खाने का भी दबाव बनाया जाता था। बोलते हैं हमारे छोटे भाई से कि आप मियाँ भाई बनो नहीं तो हम आपको मारेंगे, बड़े का खाओ नहीं तो मारेंगे। इससे घर से चोरी करवाई गई, हमें ये घर मजबूरन बेचना पड़ा। इसने चोरी कर करके उनको पैसे दिए अड़ीबाजी में डर के मारे। अच्छा, इन लोगों ने इसको चरस गांजा पिलाया है, सिखाया है, टोटल चरस गांजा नेटरवेट की गोली है, सिलोचन। वो लड़का इतना पढ़ा लिखा है जिसकी हद नहीं, MBA किया वो लड़का है। अच्छा, उसकी डिग्री आना। परिवार को, बाकी लोगों को भी बोला गया धन परिवर्तन? हमें धमकी दी गई, मम्मी को, मुझे, कि अगर अच्छा, तुम लोग भी अगर ऐसा नहीं करोगे जो हम बोलेंगे तुम्हें भी मार डालेंगे। किसने धमकी दी? इन लड़कों ने। अच्छा, नाम भी बताऊंगा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें भी मार डालेंगे, मियाँ बनना पड़ेगा तुम्हें भी, तुम्हारी माँ को भी मियाँ बनना पड़ेगा, बड़े का खाना पड़ेगा। अच्छा, क्या होता है हमें? यदि भोपाल पुलिस ने उन्हें कुत्ता बना करके चाबुक नहीं लगाया तो ऐसे कुत्तों को हम ढूंढ ढूंढ करके चाबुक लगाएंगे, ये तय है। और इस बीच जबलपुर से एक बड़ी जानकारी, वेदिका गोलीकांड का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। युवा मोर्चा नेता आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया, महिला मित्र को ऑफिस बुलाकर गोली मारी गई थी और गोली मारने के बाद CCTV फुटेज भी सामने आया था। CDR लेकर वो फरार हो चुका था, लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहपुर जिले से पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, क्योंकि पीड़िता की तरफ से खुद इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि प्रियांश ने ही उसे गोली मारी, उसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी को ढूंढ निकाला है पुलिस ने और अब वो पुलिस गिरफ्त में। आगे की कार्रवाई लगातार अब की जा रही है। वेदिका गोलीकांड, जिसका आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में। युवा मोर्चा नेता आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा, जो
कि पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। हालांकि बीजेपी ने इसे किनारा कर लिया था, पहले ही बोल दिया था कि पार्टी से इस व्यक्ति का कोई ताल्लुक नहीं है। महिला मित्र को ऑफिस बुलाकर गोली मारी गई, खुद पीड़िता की तरफ से ये बात कबूली गई है। गोली मारने के बाद सीसीटीवी सीटीआर लेकर यह आरोपी फरार हो गया था। पुलिस इसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी। नरसिंहपुर जिले से पुलिस ने गिरफ्तार किया। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, विस्तार से अपडेट इस पर। जी अवंत का बिल्कुल, ये तीन दिन बाद जो आरोपी है महिला मित्र को गोली मारने वाला प्रियांश विश्वकर्मा, उसकी गिरफ्तारी हुई है और नरसिंहपुर जिले से उसे गिरफ्तार करने की जानकारी दी जा रही है। ये बात जो है तीन दिन पहले घटना हुई थी कि जब प्रियांश ने अपने कार्यालय में अपनी महिला मित्र वेदिका ठाकुर को गोली मार दी थी और वहां के सीसीटीवी और तमाम जो साक्ष्य थे उनको लेकर के वहां से गायब हो गया था, जिसमें पुलिस लगातार प्रियांश की तलाश कर रही थी। दूसरी तरफ घायल युवती अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वहीं अभी बयान सामने आने के बाद, लड़की के बयान सामने आने के बाद पुलिस ने इसमें हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है, जिसके बाद में आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा की गिरफ्तारी हुई और अब उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति, क्या वजह थी जो उसने गोली चलाई और वेदिका को गोली मारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पवन जानकारी के लिए। और अब सिवनी से अगली बड़ी खबर, जहां युवती पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। युवती को जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और लोगों ने आरोपी की जमकर सबसे पहले पिटाई की और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया है। मामला दर्ज कर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई कि किस वजह से जानलेवा हमला हुआ है और क्या पहले इन दोनों के बीच कोई विवाद रहा, इसे लेकर भी अब तफ्तीश शुरू कर दी गई है। युवती पर चाकू से जानलेवा हमला, हमले में युवती गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती है, इलाजरत है और मौके पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ा और जमकर मारपीट इसके साथ हुई, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। और अब सतना से अगली बड़ी खबर, जहां अमरपाटन रामनगर रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ है। डंपर ने बाइक को टक्कर मारी है और इस हादसे में एक महिला की जान चली गई है। ठेकेदार की लापरवाही हादसे की वजह बनी है। सड़क पर मुरम की जगह मिट्टी डाली गई थी। खबर मंदसौर से है, जहां नेहरू बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में अचानक से आग लग गई और बस जलकर खाक हो चुकी है। आग से वीडियो भी सामने आया है इसका, और जिस समय बस में आग लगी थी उस वक्त बस का क्लीनर बस में ही सो रहा था। जैसे ही उसको लगता है कि बस में आग लगी, अचानक से वो बाहर आता है बस से और एक बड़ा हादसा टल गया। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है, आग पर काबू पाती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। श्योपुर से खबर है, जहां जिला मुख्यालय से सटे एक गांव में लोग बिजली जाने से परेशान हैं। कई दिनों से गांव में बिजली नहीं है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। गर्मी का मौसम है, खासी दिक्कत लोगों को हो रही है, जिसके चलते प्रदर्शन किया है लोगों ने। बिजली कंपनी के अधिकारी के आवास दफ्तर का घेराव किया, बावजूद इसके ग्रामीणों की समस्या किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। खबर सीधी से है, जहां पर प्रसूता की मौत के बाद परिजन ने स्वास्थ्य विभाग के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है और प्रदर्शन भी किया है, आरोप भी लगाए हैं स्वास्थ्य विभाग पर। कई तरह के आरोप यहां पर लग रहे हैं। मामला वनांचल पौड़ी इलाके का। परिजन के मुताबिक प्रसव पीड़ा के बाद गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। महिला ने बच्चे को जन्म दिया, डिलीवरी के 8 घंटे बाद ही प्रसूता को डिस्चार्ज कर दिया गया। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। आज एमपी एमएसएमई समिट का आयोजन, सीएम शिवराज का उद्योगपतियों से संवाद। उद्योग परिसंघ समेत 1000 उद्यमी हो रहे शामिल, एमएसएमई को मजबूत करने पर मंथन। एमएसएमई समिट में सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन, कहा एमपी में बड़े उद्योग लाने के प्रयास रहेंगे जारी, लेकिन नहीं छोड़ेंगे छोटे उद्योगों को, छोटे उद्योग दे पाते हैं ज्यादा रोजगार। ग्वालियर में स्कूटर को कार ने मारी टक्कर, 8 साल के मासूम ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, 7 जून के हिट एंड रन मामले का सीसीटीवी आया था। भोपाल में आदिवासी जिलों का जमीनी फीडबैक लेगी सरकार और संगठन, सीएम हाउस में बुलाई गई अहम बैठक, कुल 11 आदिवासी जिलों को लेकर की जाएगी चर्चा।
ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेले में शामिल होने पहुंची मीडिया से बातचीत में कहा, यह मेरा सौभाग्य, आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई मेले में आने का सौभाग्य मिला। भोपाल में गले में पट्टा डालकर कुत्ता बनाने के मामले में कार्रवाई, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, समीर साजिद फैजान पर केस दर्ज। युवक के गले में बेल्ट का फंदा बांधने के वायरल वीडियो पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा मानव के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय, मामले की जांच के लिए भोपाल कमिश्नर को आदेश। हारी हुई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का फोकस, उज्जैन के महिदपुर में जनसभा, 3 से 5 बार हारी हुई सीटों पर कांग्रेस का विशेष जोर। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।